तो ये आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। स्पेशल मतलब ऐसे ही कुछ ट्राई किया है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। और ये आज स्पेशली मैंने मंगवाया है रिजा के लिए। इसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और मैंने सोचा, अम्मी खाला, मैंने सोचा कि हर बार चिकन का कुछ बनता है वो खाती नहीं है, तो इसीलिए ये सब उसकी पसंद का है। तो आज स्पेशली ये तुम्हारे लिए। सैंडविच जैसा ही अम्मी, बस नाम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको क्या बुलाऊं, आप लोग ही बताओ। मतलब क्या बनाया, क्या सोच के बनाया? बस मुझे लगा कि कुछ अलग सा सैंडविच टाइप बनाऊं, जैसे हम हमेशा ओपन सैंडविच बनाते थे, कुछ अलग बनाऊं। चिकन दाबेली बोलूं इसको? अच्छा तो बहुत, कल वाले से भी अच्छा है। अच्छा है, कल वाले से भी अच्छा है। सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। कल वाले से अच्छा भुंजा भी है, क्योंकि उसमें है ना वो स्मोक फ्लेवर आ गया ना। हाँ बताओ क्या नाम रखूँ इसका? चिकन दाबेली। चिकन दाबेली ऐसी होती है दाबेली? तो पापा भी खा सकते। चिकन का है, चिकन का है का। हाँ ये वो अच्छा है, बहुत अच्छा। नाइस, चलो आज शीतल का भी वोट लेते हैं। क्या नाम रखूँ? चिकन टैकोस। चिकन टैकोस देख। चिकन टैको। हाँ चिकन दाबेली। हाँ चलो तीनों नाम रख देते हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है खाओ। एज फार एज द डिश इज टेस्टी। सो चलिए आज मैंने एकदम क्विक में रेसिपी शूट की है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं है, बट होप आपको समझ में आ जाएगी। सो ये सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब इसमें ना मैं अनियन डाल दूँगी। सो यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के, मतलब थोड़े छोटे थे, अनियन लिए हैं और उन्हें मैं फाइनली चॉप कर लिया है। अब इन्हें मैं डाल दूँगी और हम इसे अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे। यस, ये देखिए थोड़े पिंकिश हो गए अनियन। उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे भी हम कच्ची महक जाने तक पका लेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। फिर मसाले इसमें मैंने डाले हैं, सॉल्ट सबसे पहले, फिर मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला 2 टीस्पून के आसपास, और लाल मिर्च अपने अंदाजे से, जितना आपको तीखा चाहिए। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लाल मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सौते करेंगे। और फिर ये मैंने एक मीडियम साइज का टमेटो चॉप किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। उसे अच्छे से कुक होने देंगे टमेटो को। उसके बाद ये जो चिकन मैंने लिया था अराउंड 400-450 ग्राम्स, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके अच्छे से हम कुक होने देंगे। ये देखिए यहाँ पे चिकन कुक होना शुरू हो गया है। और अब आप इसे खुला रख के भी कुक कर सकते हैं और पानी डालने की ना आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मैंने कोयला मंगाया हुआ है, यहाँ मैंने कोयले को भी फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए। मीनवाइल देखिए इस तरीके से मैं अपनी ब्रेड जो है वो राउंड कट कर रही हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि ब्रेड में अगर इस तरीके से होल है तो वो मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, हमें प्लेन ब्रेड चाहिए। ये देखिए ऐसे उसे हम हल्के हाथ से बेल लेंगे और ये हम कट कर लेंगे। हाँ जो ब्रेड में कट कर रही हूँ उसमें भी बीच में होल है पर छोटा सा है। यहाँ पे ये एक और बार देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसे बेला तो वो थोड़ी सी फ्लैटन हो जाएगी और हमने कट कर लिया। ओके चलिए अब हमारा जो चिकन है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब देखिए इसमें मैं ये जला हुआ कोयला डालूंगी, इसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच घी और ये जो इसका स्मोक निकल रहा है इसे हमें अच्छे से उसमें दम देना है, तो ये कवर कर देंगे और बहुत ही अमेजिंग सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, वाह मज़ा आ जाएगा। सो यहाँ पे सारे ब्रेड मेरे पीसेस कट गए हैं। अब ये मैं मेयोनीज डाल रही हूँ सेंटर में इस तरीके से, एक 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 एक, और वाह ये हमारा चिकन
रेडी हो गया। ये खुशबू जैसे आप खोलोगे ना वैसे ही आपको रियलाइज होगा कि खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है एंड पूरे चिकन में वो एक स्मोक्ड फ्लेवर आ गया है। तो खैर अभी हम अपने सारे ब्रेड स्लाइसेस में इस तरीके से मेयोनीज के ऊपर या तो एक साइड पे हाफ साइड एम्प्टी रहने दीजिएगा इस तरीके से चिकन जो है फिल कर लेंगे। ये देखिए अपने अंदाजे से आप अपनी क्वांटिटी रखिएगा। ओके चिकन ऑल्सो डन। अब लास्ट में ये मैंने ग्रेट करके चीज़ रखी हुई है ये थोड़ी थोड़ी हम सिर्फ चिकन के ऊपर डाल देंगे। दिस इज़ डन। और यहाँ पे मैंने ये तवा जो है ये एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया, उसको ऐसे स्प्रेड कर लूँगी। और अब ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं हम इसमें हाफ हाफ फोल्ड करके डालेंगे इस तरीके से। यस ये देखिए, और जैसे ही आप डालोगे ना वो तुरंत मोल्ड हो जाता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आपने ब्रेड को भी जो है बेल के काफ़ी पतला किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से बस ऐसे ही एक के बाद एक हम ये ब्रेड स्लाइसेस फोल्ड करके रखते जाएंगे एंड लास्ट में ना हम इसके ऊपर से कोई भी एक प्लेट रख देंगे ताकि थोड़ा सा प्रेशर मिल जाए। ये वन ऑफ द मोस्ट क्विकेस्ट स्नैक है जो मैंने इफ्तारी के लिए बनाया है, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी बना और बहुत ही ज़्यादा यमी बना। अब इसे टैकोस बोलूँ या दापीली ये आप बताना। हो गया है अगला दिन, इफ्तारी का वक्त होने ही वाला है तो मैं मतलब है अभी टाइम, मैं अपने यूजुअल टाइम पे आ गई हूँ किचन में इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। एज ऑलवेज मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ। आज नाजा खाला आ गई है, सारा आ गई है, खालू आए हैं उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन आज दिन की जो शुरुआत हुई वो हम सब के लिए थोड़ा पैनिक सिचुएशन और थोड़ा घबराहट में हुई। देखो मैं अभी भी दिमाग सही नहीं है, मैं ऑयल गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा रुकते हैं। सो खाला नाजा खाला ऊपर आई और उन्होंने बेल बजाई तो मैंने देखा, मुझे लगा कि मिले हैं। बहुत अच्छे से उनको मिली लेकिन वो इतना घबराई हुई थी। सो बेसिकली रिजा रेहान का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आपने शोएब के ब्लॉग में डिटेल में सब कुछ देख लिया होगा तो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है दोनों अभी, और अभी हम सब भी थोड़ा ठीक है, लेकिन उस वक्त बहुत घबरा गए थे क्योंकि रेहान को बहुत बड़ी चोट लगी है, उस पर वो उस वक्त पूरा खून खून में था। एंड रिजा आउट ऑफ फियर बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि पीछे से आके अगर कोई एक्टिवा आपको स्पीड में थी और गाड़ी तो स्पीड में अगर कोई धक्का दे कि आप गिर जाओ और उसे सर पे भी कुछ लगा तो इट वाज दैट सिचुएशन। और अम्मी बेटी खाला नाजा खाला हम सब बहुत घबराए हुए थे। तुरंत हमने हमारे यहाँ डॉक्टर सिद्दीकी जो रहते हैं बहुत अच्छे, वो उनको बुलाया था, वो आए, उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की, तब तक शोएब भी वापस आ गए थे नमाज से। सो बस उस तरीके से तो सबका थोड़ा सा दिल घबरा गया और ऑब्वियसली बच्चों को होता है तो अजीब लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है रिजा आउट ऑफ पैनिक। आज बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन आज रेहान ने जो जो मैच्योरिटी दिखाई है, मतलब आई एम सो प्राउड, और मुझे आज उसमें यू नो आज मुझे रेहान को देख के सर गए कि हाँ यार मतलब बच्चा बड़ा हो गया यू नो। बिकॉज मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे हमेशा रेहान का वो दिन याद आता है जब मैं उस स्कूल में एडमिशन कराने लेके जा रही थी यू नो सेकेंड क्लास में, एकदम छोटा सा घबराया हुआ, और आज उसको चोट लगी, उसे अपनी चोट की कोई होश नहीं थी, वो सिर्फ यहाँ वहाँ भाग रहा है कि रिजा अपी को देखो कि रिजा बहुत पैनिक कर गई थी एंड बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो और हम भी घबरा गए कि वो कही थी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा ऐसे फूल गया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ऑब्वियसली अंदर की चोट हमेशा थोड़ी ज़्यादा घबरा देती है, स्पेशली सर में लगी हो तो। सो इसीलिए एंड सो यस आज रेहान को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब मुझे ना वो जिस तरह से रिजा के लिए आज केयर कर रहा था, केयर दिखा रहा था, मतलब उसे अपनी होश नहीं थी, वो सिर्फ रिजा अप्पी को देखो, मुझे एग्जैक्टली ना मेरे लिए आँखों के सामने
वही रेप्लिका था जैसे शोएब अपने बारे में हमेशा भूल के सबा के लिए कि नहीं दीपी शाल को देखो, दीपी शाल को देखो, दीपी शाल के लिए, तो उस एग्जैक्टली वही छवि मेरे सामने आ रही थी और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो एंड बस अभी दोनों ठीक है, रिजा भी ठीक है, उसके आज पेन किलर स्टार्ट की है, रेहान की भी पेन किलर भी स्टार्ट किए क्योंकि थोड़ा सा बड़ी चोट लगी है, रेहान की तो ड्रेसिंग भी कल दोबारा होगी, बेचारे को टेटनिस का इंजेक्शन भी लग गया है, सब आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ। और बस आज मैं और कुछ नहीं बना रही, आज फिर से मैंने हलवा पराठा बनाया है, सबको बहुत अच्छा लगा। और आज नाजा खाला आने वाली थी तो हम, और आज फ्राइडे है तो हम वैसे भी कुछ अच्छा ही करने वाले थे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ ना बना के आज मैंने सिर्फ अभी हलवा पराठा की रेडी तैयारी की है और मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ और बाकी फिर शोएब ने बाहर से इफ्तारी बनाई, तो मैं आज और कुछ नहीं बना रही हूँ। तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं, ये मैं अपनी तैयारी पूरी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और आज ये देखिए मीठा ने हमारे लिए इफ्तार भेजी है, यहाँ पे हैं समोसे, कचौरी, ये रबड़ी भी भेजी है जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये मिठाई का पूरा डब्बा है और इसमें क्या है, आई थिंक इसमें रसमलाई है, यस ये है रसमलाई। तो हम ये सब, अच्छा ये गुलाब जामुन सो हम ये सब भी जो है नीचे ले चलते हैं, ये तो शायद बाद में ही खाएंगे, फिलहाल ये नीचे ले चलते हैं। और ये बना के लाई है नाजा खाला गुजिया बहुत यम्मी, अच्छा ना, इस बार वाली तो अच्छी है। अरे इफ्तार के बाद पापा वापस जाते हैं वॉक पे और आज देव भैया नहीं है आप लोगों को पता है, तो यहाँ शोएब बहुत प्यार से पापा को उनके वॉकिंग शूज पहनाते हुए, और ये मोमेंट मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि इसे कैप्चर किया जाए और आप सब लोगों से शेयर किया जाए, है ना ये मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा ये देखो इसकी ड्रेसिंग कोई नहीं ठीक हो जाएगा, चलो गुड बॉय, प्राउड ऑफ यू, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। और ये देखो तुम ठीक हो नहीं, ये भी लेकिन बेचारी उस वक्त पैनिक की वजह से रो रही थी, लेकिन फिर 5 मिनट में हंसने लग गए ऊपर आते ही, ठीक है ना, सर में दर्द नहीं हो रहा ना अभी, क्या कह रहे हो, ये जो पैर ये धोती कुर्ता ये बहुत अच्छी लगा थी, नजर ना लगा दर मोरे नाती के का, क्या बात है, नाती के मोरे नजर ना लगा भैया, लो अम्मा को आपकी धोती अच्छी लगी। और ये आ गई है हमारी सारा, क्या एंट्री हुई है मतलब सुबह जब हम लोग मिले, अरे भाई सुबह हम सुबह जब मिले हैं तो ऐसी सिचुएशन में सब लोग मिले हैं, मैं वहाँ रिजा को ऐसे देख रही हूँ, ये यहाँ से आई भाभी सवाल को, भाभी हाँ वाले को असलम जल्दी जाके पानी लेके आओ, मैं सुबह ऐसी सिचुएशन में हम लोग मिले, सुबह उठा और ये आ चुके थे, तो मैंने एक काम करता हूँ मैं आराम से जाऊंगा, पहले मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ उसके बाद फिर जाऊंगा आराम से शूट करूंगा, सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं नमाज से निकला धर्म ने बोला कि घर पे बात कर लूँ, क्या हो गया आपको, कहीं बात कर लीजिए कुछ, तो स्कूल में हो गया, उसने ऐसे बोला, मैंने कहा बच्चों ने कुछ कर दिया क्या, किसी से झगड़ लिए कुछ कर लिए, फिर दीपिका को फ़ोन किया, उसका मैसेज है तुम्हारा कि जैसे फ्री हो कॉल करना, फ़ोन किया जल्दी आ जाओ, मैंने कहा हाँ आ ही रहा हूँ, क्या हो गया, नहीं बच्चों का थोड़ा सा लग गया है उनको, मैं क्या लग गया है, तो बोलते थोड़ा सिद्दीकी को बुला दो ड्रेसिंग करनी है, मेरे खून निकल रहा है क्या, उनकी हाँ खून निकल रहा है, तो जब आया वापस में तो कहाँ नाजा खाला कहाँ सारा कुछ ध्यान ही नहीं गया, सबसे सलाम किया हाँ। वापस वो उनमें लग गए, इस बार एकदम से ड्रामेटिक एंट्री। तो अभी मेरे ब्लॉग में कल मैंने पूछा कि मैं क्या शर्ट जीत गया ना इससे, बेट लगी थी मैं जिम जाऊंगा तो क्या करूँ, तो कई लोग मुझे बोल रहे हैं शोएब भाई सबसे पहला गिफ्ट तो आपको भाभी इतना दे ही रही है, एग्जैक्टली मैक्सिमम आई लव यू, मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट देने वाली है तो छोड़ दो, वो पता है वो हंसी मजाक की बात एक अलग है, अभी अभी यहाँ पे बात ही चल रही है, तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं एक काम करो 24 आवर्स चैलेंज करो कि आप जो भी बोलोगे दीपिका हाँ बोलेगी यस बोलेगी, फिर एक बोलता है कि एक किसी ने बोला कि याद है जब आप लोनावला गए थे दीपिका ने आपको चोटी की थी, आप सुबह तक लगा के सोए थे,
एक दिन 24 घंटे इनको बोलो शेफ बनने के लिए, टर्बन बांध के घूमेंगे, बात करेंगे, कुर्ता पजामा पहन के शेफ बनना है, मतलब शेफ बनना है। हाँ ठीक है चलेगा, ये चलेगा, सुनो ये चलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं एक काम करो शेफ भाई, वो जो आप दीवार नहीं तोड़ने वाले ना, दरवाजा एक्सेस करने वाले, वो मनवा लो। भाई कितने खराब हो यार आप लोग। एक बोलता है, एक बोलती है आई थिंक, हाँ बोलती है एक काम करो शेफ भाई, दीपिका भाभी से ना वादा ले लो कि गैस में ना तुमको जलाओगी नहीं, तुम दूध गिराओगी नहीं। वो मैं नहीं देती, वो मैं नहीं देती, वो नहीं दे पाऊंगी, कुछ भी और चलेगा। ऐसी सारी सी चीजें आई है, तो फिर सोच लो तुम्हें करना क्या है। मैं भी आता हूँ, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला बेस्ट है, मैं ऑलरेडी गिफ्ट दे रही हूँ। देखो मुझसे पूछोगे तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी ना। देखते हैं मुझे क्या पनिशमेंट देते हैं, करने का तो वो छोड़ेंगे नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। सो यस, मैं आ गई थी ऊपर और थोड़ी देर सो गई थी, मतलब आते ही मैं शुभ बोला शुभ में सोने जा रही हूँ, और मैं सो गई और मेरी आंख लग गई, क्योंकि एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरा बैकएक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। एंड मुझे सबने बोला है कि हाँ बैकएक तो बहुत होता है। यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट अबाउट प्रेगनेंसी इज़ कि आपको जो भी तकलीफ़ें होती हैं ना, यू डोंट माइंड देम। हाँ होता है, तो अभी बैकएक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मेरा, लेकिन यू डोंट माइंड इट कि हाँ चलो हो रहा है बैकएक, ये तो होगा। देन दूसरी चीज़ जो होने लगी है, वो काव्स जो हैं वो थोड़े भरने लगे हैं, हार्ड होने लगे हैं। तो जितना भी हो सके, जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं पैर ऐसे स्ट्रेट करके थोड़ा सा एलिवेट करके रखती हूँ, एंड नॉर्मल मसाज, नॉट द प्रेशर पॉइंट, क्योंकि जितना मुझे पता है कि आप प्रेगनेंसी में प्रेशर पॉइंट की मसाज नहीं कर सकते, तो नॉर्मल जिससे आपके वो दबाने वाली जो मसाज होती है कि आपके पैर को भी अच्छा लगे एंड ऑल, वो। एंड बस बाकी तो एवरी सिम्टम ऑफ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जस्ट गोज़ अवे बाय नाउ, और बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत एनर्जी वापस आ जाती है, तो उस सब का कुछ नहीं है। बस जब भी नींद में लगे सो जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था कि डोंट स्ट्रेस, सिर्फ जब भी तुम्हें लगे सो जाओ, जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हें सोना है टेक अ नैप और स्लीप प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यस, अभी मैं उठी हूँ, अभी देखूँगी कुछ खाऊँगी थोड़ी देर, एंड ये था आज का व्लॉग, तो ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आज एक्चुअली थोड़ी डिसोरियंट हो गई मैं, बिकॉज वो शुरुआत दिन की ऐसी हुई, एंड दोनों बहुत पेन में हैं, हालांकि बता नहीं रहे हैं, स्पेशली रेहान बता नहीं रहा है, और रिजा भी अभी वो मेरे बगल में बैठी थी इफ्तार में, तो वो पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पाई थी। मैंने उसको इतना बोला बेटा ऊपर बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए, इतनी नहीं, अभी ठीक है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। तो हिम्मत ही दोनों हैं, अपनी तरफ से दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए। बट हाँ यार, मैं बोलना चाहूँगी कि वही हम जो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सड़क पे निकलो गाड़ी लेके, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी, थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि पहली चीज़ जो भी थे बहुत स्पीड में थे, और उन्हें खुद भी लगा है, मतलब अम्मी और नाजा खाला ने उन्हें उठाया है, अम्मी और नाजा खाला ने बोला ये तो बच्चे हैं, ये लोग खुद खड़े हो गए थे, वो तो उठ भी नहीं पा रहे थे, तो हमने जाके पहले उनको उठाया है, एंड उठने के बाद वो सॉरी सॉरी बोल रहे थे, उनको भी शायद सर पे लगी, बट एंड आई डोंट नो हाउ फार दिस इज़ ट्रू, क्योंकि अम्मी को इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन आसपास के जो लोग थे वो कह रहे थे कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। एंड वो स्कूल छूटने का वक्त होता है उस सड़क पे, एंड अम्मी और एकदम साइड में चल रहे थे, और वो शायद उनका बैलेंस छूट गया, और वो एकदम साइड में जाके उन्होंने ही इज़ बैंक्ड इन टू द किड्स, एंड देन ही इज़ गॉन एंड फॉलन हिमसेल्फ। सो जस्ट बी केयरफुल गाइज, मतलब अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा हो जाता, यही होता है, कोई हादसा कब कितना बड़ा हो जाए कोई कह नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, छोटी छोटी चोट लग के बात टल गई है, बट एनीवेज द डे इज़ ओवर, एंड सब अब ये लोग सब ठीक हैं, सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। चलिए अब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार आप सबको।